हेलो, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो हरियाणा स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम है वो आप सबका कैसा हुआ। आप सभी फीडबैक दीजिए, रिप्लाई करिए। कल तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैराथन भी नहीं निकल पाई, लेकिन आप सभी लोग चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन्हें काफ़ी देखा है। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी बहुत किया है, कमेंट भी, ईमेल भी। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर कुछ भी मदद मिली हो तो कम से कम मेहनत थोड़ा बहुत सफल हो जाएगी। आप एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको 1% भी लाभ हुआ हो उन वीडियो से, उस एरिया से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि आगे के लिए रणनीति बनाना आप सबके सुझाव बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि जो अन्य एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए भी क्वेश्चन पैटर्न या तरीका बदलने होंगे कि किस तरीके से कितने लेंदी क्वेश्चन बनाने हैं या कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं या कितने सरल या कितने कॉम्प्लेक्स, इन चीज़ों का पता चलेगा। तो ये ज़रूर आप सभी रिप्लाई दीजिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हों। आप ये ज़रूर बताइए कि स्पेशल एजुकेशन के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो सीरीज चलती है, अभी जो पेडागॉजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन चल रही है, या इससे पहले जो मैराथन क्लास बन चुकी है, या जो स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज चली है, अगर उनसे आपको एक भी थोड़ा फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं एक बेहतर रणनीति के साथ क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकूँ, क्वेश्चन बना सकूँ। हालाँकि उसमें भी समय लगता है, लेकिन तो अभी हो सकता है कि एक दिन लगे, क्योंकि अभी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अभी जो हरियाणा स्पेशल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम देने आज 5 अगस्त को जिन्होंने दिया है, तो वो ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। और क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऑफलाइन मुझे क्वेश्चन पेपर दे पाएंगे, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि लगभग कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस एरिया से आए थे, किस किस डिसेबिलिटी से ज़्यादा पूछे थे। हालांकि ये भी था कि सबका अगर कॉमन होगा तो भी अलग बात है, अदरवाइज़ अगर HI VI MR की जो कैटेगरी निकली थी उसके अनुसार से आएगा। जैसे जो मॉक टेस्ट में हमने देखा था तो वो सब कॉमन था, लेकिन जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था तो HI का अलग, VI का अलग, MR का अलग, यानी कि इंटेलेक्चुअली सबका अलग अलग क्वेश्चन आया था। साथ ही वीडियो का भी बताइएगा कि वीडियो के लिए क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आपने वीडियो सबमिट वहीं पे किया है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कुछ समय बाद वीडियो अपलोड कराया जाएगा, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम पास, रिटन एग्ज़ाम पास होने के बाद आपका वीडियो अपलोड होगा, तो ये ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा। एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया होगा मुझे उम्मीद है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आप कितने कठिन, कितने सरल, मीडियम, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और कितनी आपको मदद मिली, इससे कि आगे वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। आई होप आपका सब अच्छा ही हुआ हो, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे मेल करिएगा, कांटेक्ट दिया हुआ है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर मटेरियल धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगा बहुत सारे। हालांकि लगभग 900 या 950 या 950 के आसपास, 950 के आसपास क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। हो सकता है कोई PDF प्रिंट ना हो रही हो तो मैं उसे दोबारा भेजने की कोशिश करूँगा, जो प्रोटेक्टेड है उनको हटा दूँगा, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था तो आप ज़रूर बताइए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या आपके लिए कितनी कठिनाई आई, क्या हुआ, आपको समय का कितना क्या रहा, क्योंकि
एक अगर फर्स्ट ग्रेड का मान लीजिए 1 से 8 तक दिए होंगे तो आपको 1.5 घंटा मिला होगा, और जो दोनों दिए होंगे 9 से 12 वाला भी साथ में, 1 से 8 वाला भी साथ में, तो आपको 2 घंटे मिला होगा। तो किस तरीके का क्या रूटीन रहा, पैटर्न रहा, एक बार ज़रूर मुझे कंफर्म करिएगा, रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इंतज़ार है आपके कमेंट का, पेल का और रिव्यू का, आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद।